YouTube तो जी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज हम अपने न्यू फ्लैट के लिए फर्नीचर देखने जा रहे हैं जिसके लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ सुबह हम लोग जल्दी ही घर से निकल गए थे क्योंकि फर्नीचर देखने में काफी टाइम लग जाता है इसको सेलेक्ट करने में और दूर भी है दूसरे शहर दुबई जाना है अजमान से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसलिए हम जल्दी घर से निकल गए थे ताकि सुकून से आराम से हम फर्नीचर देख सकें सेलेक्ट कर सकें और सबसे पहले हम लोग आए थे यहाँ कैफ़े पे चाय अल्सराय जब भी हम कुछ खाए बगैर घर से निकलते हैं सबसे पहले इधर ही आते हैं ताकि कुछ खा लें पहले मैंने ये चिकन मुताफिर रैप लिया है और बच्चों के लिए नगेट्स लिए हैं और जवाद बच्चों को कैचअ डाल के दे रहे हैं कैचअप के बगैर वो कुछ भी नहीं खाते मेरे बच्चे कैचअप बहुत शौक़ से खाते हैं गर्मी शदीद पड़ रही है थोड़ी देर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो इतनी ज़्यादा हीट आ रही है अंदर और साथ ही हमने अपनी चाय भी ले ली है आ, ये चाय रखी हुई है मैं चाय बाद में पीती हूँ जो आज साथ, साथ पीते हैं और ये बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं बिस्किट केक रस वगैरह क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है तो अगर इनको भूख लगी तो इनको ये दे सकें क्योंकि हाँ रास्ते में हम गाड़ी नहीं रोक सकते अब जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया दुबई का हम लोग जा रहे हैं दुबई डे न्यूब होम अजमान में भी इनकी ब्रांच है लेकिन दुबई वाली ब्रांच में ज़्यादा वैरायटी है तो इसलिए हम लोग उधर जा रहे हैं ताकि एक ही बार अच्छी तरह से फर्नीचर सेलेक्ट कर सकें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें बहुत अच्छा लगता है बस हम करीबी पहुंच गए हैं बस इस सिग्नल में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा और यहाँ पर हम पार्किंग में आ चुके हैं इनकी पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है और अब हम चलते हैं आपको साथ ही के चलते हैं होम यहाँ का फर्नीचर किचन की चीज़ें क्रॉकरी सब कुछ बहुत अच्छा सारा कुछ मिल जाता है इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया बजाय इसके डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होम सेंटर होम बॉक्स और और कौन सा है एक और भी है आइकिया यहाँ से इस तरह की चीज़ें मिलती हैं घर की फर्नीचर की किचन की तो हम लोगों ने डैन्यूब को सेलेक्ट किया यहाँ से हम अपना सारा घर का फर्नीचर लेंगे और किचन की भी चीज़ें लेंगे सब कुछ यहाँ से मिल जाता है अभी हम लोग लिफ्ट से जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पर फर्नीचर का सेक्शन है और जो चीज़ पहले नज़र आ रही है वो हम देखते जा रहे हैं यहाँ पर सोफ़े भी लगे हुए हैं एक ये सोफ़ा सेट है और एक ये वाला है इस बार हम लोग चाह रहे हैं हम कुछ लाइट कलर में लें लास्ट टाइम हमारे पास जो सोफ़े रेक्टनर्स थे वो डार्क कलर में थे डार्क ब्राउन कलर में यहाँ पर मुझे मेरा नज़र आ गया और ये भी आ, ये भी स्किन कलर में है यहाँ पर स्टोफ़ मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे थोड़े से डिफरेंट हैं और ये बेडरूम सेट है इस तरह से उन्होंने सारा बेडरूम का फर्नीचर पूरा रूम सेट करके दिखाया होता है यहाँ से आइडियाज़ भी आप ले सकते हैं कि आप किस तरह से अपने रूम को लाउंज को डिकोर करें एक ये सोफ़ा सेट है ये मुझे इतना हास नहीं लगा ये काफ़ी बड़े लाउंज के लिए है तो हमारा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ये डाइनिंग टेबल है ये मुझे कैट बहुत क्यूट लगी बहुत डिफ्रेंस यह है एक ये डाइनिंग टेबल है डाइनिंग टेबल भी देखना है हमने ये वाला है और अभी आप मेरे साथ साथ सारा फर्नीचर देखें हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी एक ये वाला सेट है सोफ़ा सेट इसके साथ दो चेयर्स भी हैं ये भी मुझे अच्छा लगा एक मुझे ये अच्छा लगा था ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप में है लेकिन कलर इसी इसका भी लाइट ही है दूसरा सोफा सेट जो हम लोगों को अच्छा लगा वो ये वाला है ये लाइट स्किन कलर का है और इसके अंदर ये गोल्डन कलर के पैनल्स लगे हुए हैं ये भी मुझे अच्छा लगा और एक ये वाला है अब हमने कौन सा सिलेक्ट किया इसके लिए आप लोग देखते रहें इंशाल्लाह आपको आगे पता चलता रहेगा अब सोफ़ा सेट हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया था अब हम आए थे कालीन वाले सेक्शन में लाउंज के लिए सोफ़े के साथ हमने यहाँ से कालीन देखना था बस इधर वही सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद हमने टेबल देखना था जो जो सेट के साथ टेबल था वो काफ़ी बड़ा था वो हम लोगों ने नहीं लिया हमने छोटा लिया और फिर कंसोल भी देखना था कंसोल मुझे बहुत पसंद है जवाद कह रहे थे रहने देते हैं मैंने कहा नहीं मुझे ये लेना है मुझे बहुत पसंद है कंसोल कंसोल टेबल तो कंसोल टेबल भी सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये बेडरूम मुझे चलते चलते नज़र आया इसकी मुझे वॉड्रोप बहुत अच्छी लगी बाकी मुझे बेड इतना नहीं अच्छा लगा लेकिन इसकी वॉड्रोप की वजह से मैं जो हाथ को कह रही थी कि पूरा सेट ले लेते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी बहुत डिफरेंट है ये और कंसोल के साथ ये जो सेटिंग की हुई थी ना ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी मिरर को इन्होंने इस तरह से लगाया हुआ था यहाँ से पर ना खड़ी होकर मैं थोड़ा आइडिया भी ले रही थी कि हम लोग भी कुछ इस तरह की ही सेटिंग करें और ये प्लांट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन ये हम लोगों ने नहीं लिया जो आपने कहा बस अब ज़्यादा फ्री नहीं होना प्लांट वगैरह कोई नहीं लेना बस फर्नीचर की चीज़ें देखो लेकिन मुझे घर में ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है फिलहाल अभी तो हमने नहीं लिया लेकिन माइंड में मेरे है कि मैं बाद में लेटर ऑन प्लांट वगैरह भी लूँगी एक ये कंसोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके ऊपर ये डिकोर जो की हुई थी ना इसके पीसेज़ मुझे बहुत अच्छे लगे ये हॉर्स बने हुए हैं ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा सेट मेरा दिल चाह रहा था कंसोल के साथ जो ऊपर इन्होंने डिकोर किया मैंने ये भी सारा ऐसे ही उठा लूँ लेकिन हर चीज़ की अलग अलग प्राइस है सारा कुछ नहीं उठा सकते अभी यहाँ पर ये यह बच्चे मुझे किचन में लेकर आए थे ये मैं इनको ढूंढ रही थी यहाँ किचन में आए हुए थे वरना तो मैंने इसको देखा भी नहीं ये थोड़ा पीछे करके बना हुआ था और ये किचन भी उन्होंने बहुत अच्छे से सेट से किया हुआ था मुझे अपने स्पाइसेस वाला भी चेंज करना था और ये वाला सेट मुझे बहुत पसंद है ये बहुत फेमस है लेकिन मैंने अभी तक नहीं लिया ये ऑनलाइन भी काफ़ी मिलता है मैं किचन की कैबिनेट्स खोल के देख रही थी अंदर भी इन्होंने काफ़ी किचन के इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई थी मैंने सोचा अगर मुझे कुछ अच्छा लग गया तो मैं एक दो चीज़ें यहाँ से ले लूँ ये एक ये किचन सेट है और दो तीन किचन इन्होंने सेट किए हुए थे तो मैंने तीनों ही विज़िट किए थे एक किचन की मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी और मैंने ले भी ली परचेज़ कर ली मैंने और ये स्टोव भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन ये हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया ये काफ़ी एक्सपेंसिव था तो जो आते कहा कि ये हम लोग कार से लेंगे ये ब्लैक आ, मुझे ये बॉक्स बहुत अच्छा लगा मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स इसके अंदर आप आटा भी रख सकते हैं चावल भी रख सकते हैं ये बास्केट नहीं इतनी अच्छी लगी और ये वाले ये लेंटिल्स रखने के लिए ये भी अच्छे हैं ये पूरा ब्लैक सेट मुझे बहुत अच्छा लगे ये ट्रे भी कॉफ़ी शुगर और टी और ब्रेड ब्रेड बॉक्स लेकिन हाँ ये ऐसे लेकिन ब्रेड बॉक्स जो है ना जैसे इन्होंने रखा हुआ है इस तरह से छुप के है ये अगर इस तरह ऊपर रखा जाए तो ज़्यादा विजिबल होता है लेकिन तीनों नहीं आ रहे और फिर इस ब्रेड बॉक्स को खोलने के लिए फिर इनको नीचे उतारना पड़ेगा सेटिंग मुझे बस थोड़ी हो रही थी कन्फ़्यूज़न कि सेटिंग किस तरह से करनी है इसकी लेकिन ये ब्लैक वाला सारा सेट मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ में मैं इसकी भी कैबिनेट्स खोल के देख रही थी कि इसके ब्लैक कलर में ही मुझे अगर वो ऑयल बॉटल मिल जाए और सोल्टन पेपर वाला जार मिल जाए तो ये भी मुझे अच्छा लगा ये ये सिंक में रखने के लिए ये भी अच्छा था और ये ब्लैक कलर का ये सारा उन्होंने ब्लैक आ, किया हुआ था थीम इवन ये फ्रूट्स भी ना आर्टिफिशियल है ये रियल नहीं है इतने अच्छे लग रहे थे ये किचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के स्पाइसेस के अलग अलग नहीं मुझे अच्छे लगते ये एक ऑयल बॉटल मुझे नज़र आई इस तरह की तो मेरे पास ऑलरेडी है तो ये नहीं मुझे लेनी थी मुझे ब्लैक में कुछ चाह रही थी ये भी अच्छे लग रहे थे लेकिन स्पाइसेस मुझे काउंटर टॉप पर रखना मुझे नहीं पसंद तो इस वजह से इसको मैंने बस ऐसे ही देख रही थी फ़ाइनली मुझे इस कैबिनेट के अंदर ब्लैक कलर में ये ऑयल बोतल नज़र आ गई तो मैंने सोचा इस तरह से पूरा सेट बन जाएगा ब्लैक कलर में तो ये मैंने ले लिया जब आज कैश काउंटर पे गए थे बिल करवाने के लिए मैं और बच्चे हम लोग साइड पे इधर आ गए थे कैंडल वाइज सेक्शन में यही पास में था सेक्शन तो मैंने सोचा हम लोग साथ में चीज़ें देख लेते हैं वहाँ इंतजार करने से बेहतर है क्योंकि बच्चे ना के खड़े नहीं हो रहे थे तो जो आदमी मुझे बोला इनको दूसरी साइड पे ले जाओ यहाँ पर मैं कैंडल्स देख रही थी यहाँ पर भी मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही थी इतनी वैरायटी थी सेंटेड कैंडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं लेकिन यहाँ से फ़िलहाल मैंने नहीं लिया कुछ क्योंकि जो आद ने मुझे मना किया था लेकिन मैंने इधर ही खड़े होकर ना अपना जहन बना लिया था यहाँ से नहीं तो मैं ऑनलाइन ये कैंडल्स वग़ैरह ज़रूर लूँगी घर के लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं टीवी लाउंज में रखने के लिए बेडरूम में या वॉशरूम में रखने के लिए ऑनलाइन लूँगी बच्चे वहाँ पर भी तंग करने लग गए थे तो मैं उनको लेकर बाहर आ गई थी ये बाहर का उन्होंने ये डिकोर किया हुआ है सारा ये सब इंडोर है इंडोर चीज़ें रखने के लिए जिनके विलास वगैरह हैं ये आई थिंक वो ही रख सकते हैं ये एलिफेंट भी कितना अच्छा लग रहा है और बच्चे यहाँ पर आके ना काफ़ी खुश हो गए थे मैं इनको बाहर ही लेकर निकल आई थी क्योंकि वहाँ पर चीज़ें रहे थे तो मैं इनको लेकर इधर आ गई थी यहाँ पर ये फैन है और इस फैन में से पानी निकल रहा था पानी की बरसात हो रही थी बड़ा मज़ा आ रहा था बच्चों को यहाँ पर खड़े होने का और मैं इधर बैठ गई थी मेरे से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था काफ़ी मैं थक गई थी हम लोग सुबह के ही निकले हुए थे शाम हो गई थी पाँच साढ़े पाँच का टाइम हो गया था घर पहुँचते पहुँचते तो हमें रात ही हो गई थी अंधेरा हो गया था आज का व्लॉग इतना ही है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़